नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 भारतवर्ष। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से है। बिजली कटौती के विरोध में मोहल्लेवासियों ने तहसील का किया घेराव। संपूर्ण समाधान दिवस में 150 मोहल्लेवासी पहुंचे। बिजली कटौती को लेकर बड़ी संख्या में लोगों का आता देख थाना अध्यक्ष मोत्रवाजा ने फरियादियों को भगाया। थाना अध्यक्ष ने दरोगा दिलीप कंचन मोहल्लेवासियों को भगाने का दिया आदेश। दरोगा ने बिजली विरोध की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे लोगों की कराई वीडियोग्राफी। मोहल्लेवासियों को 24 घंटे में 5 घंटे मिल रही बिजली। भीषण गर्मी में बिजली न मिलने से बजरिया क्षेत्र में मची त्राही त्राही। जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मोहल्ले की बिजली दुरुस्त कराने की मांग। थाना मोत्रवाजा क्षेत्र के जसमी का है पूरा मामला। से लाइट नहीं मिल रही। कल भी हम लोगों ने बजरिया मोहल्ले में जाम लगाया था। तिकोना चौकी इंचार्ज साहब आए, उन्होंने कहा कि अभी 1 घंटे में आपको लाइट मिल जाएगी, लेकिन कल से अभी तक हम लोगों को लाइट उपलब्ध नहीं हुई है। आज हम लोगों ने डीएम साहब को अपना प्रार्थना पत्र दिया है। डीएम साहब से मांग की है कि हमारा ITI से जोड़ दिया जाए, ITI फीडर तक, जो कि अभी हमारा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ने पर यह स्थिति है कि 10 मिनट लाइट आती है, 4 घंटे लाइट चली जाती है। वहाँ के ना तो एक्सचेंज साहब फ़ोन उठाते हैं, ना SDO साहब फ़ोन उठाते हैं, ना JA उठाते हैं, ना कोई कर्मचारी उठाता, कोई भी बात बताने को तैयार नहीं है। कितने दिन से ऐसी मतलब लाइट नहीं आ रही है? ये 1 हफ्ता तो पूरा हो गया, 1.5 हफ्ते लमसम हो चुका है। सरकार के दावे हैं कि शहरों में 20 से 22 घंटे बिजली दी जा रही है। सरकार के दावे ठीक हो सकते हैं भी, लेकिन यहाँ के हमारे जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो बिल्कुल नाकारा और ना बिल्कुल बेकार हैं। क्योंकि उनको कोई काम करना ही नहीं, उनको केवल कागजों में दिखाना है कि हाँ लाइट आ रही है, बाकी लाइट आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं उनको। 24 घंटे में हम लोगों को 5 घंटे भी लाइट नहीं मिलती। नहीं मिल रही।